चेहरा ना है नारे कोई नहीं है तो फिर अजीब से ही हो रहा है मुझे तो। पहली बार गोवा में ने मरे लोग मरे थे ना सबका आवाज आ रहा है क्या इसके साथ जैसा सर्विस है ना पूछो मत एक भी नहीं था इसके अल्लाह। ठीक है गुड मॉर्निंग बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोगों का इधर बस एक प्लानिंग चल रहा है कि क्या करें अब यहाँ पे और स्टे करें कि नहीं स्टे करें क्योंकि क्या हुआ है ना नॉर्थ गोवा में हम लोग ने आज सब कुछ घूम लिया और आज लास्ट डे है तो ये अभी इधर चेक कर रहा है साउथ गोवा में किधर अच्छा होटल्स है तो अभी से बुक करके जाएंगे। तो लेट्स क्या होता है यहाँ पे सब कपड़े भी डाल दिए सूखने को बाहर अगर ऐसे पता होता तो धोते नहीं तो ये तो सूख जाएंगे वैसे तो फिर यहाँ पे सब पैक कर लेती हूँ मैं। बाबू कितना टाइम लगेगा? अरे अभी तो तूने स्टार्ट किया है ना आराम से कर ठीक है कोई घाई नहीं शाम को जाएगा वीडियो और शायद हम लोग निकलेंगे इधर से आज मुंबई नहीं रहे बाबा। नॉर्थ गोवा में मतलब दो दिन बहुत ज्यादा होता है ऊपर इधर क्या है करने को क्या बोलता रहो है ना अब कुछ बचा नहीं आज का एक दिन है स्पॉट कवर करने है वो स्पॉट कवर कर लिया तो बस नॉर्थ गोवा खत्म हो गया चलो ठीक है चलो। सो अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं भाई प्लान तो था कि यहीं रुकना है मतलब एक आध दिन के बाद यहीं से मुंबई निकलना है लेकिन ऑल ऑफ सडन प्लान हुआ कि साउथ गोवा चलते हैं वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। वैसे साउथ गोवा में अगर आपको पीस चाहिए साइलेंट चाहिए साइलेंट मतलब एकदम शांति चाहिए तो साउथ गोवा है और एकदम क्लबिंग वाला माहौल चाहिए धूम धड़क्का वाला तो नॉर्थ गोवा है। तो अभी हमने नॉर्थ गोवा में तीन दिन तो निकाल लिया और बाकी सब आजू बाजू में चीजें देख ली है तो अभी यहाँ पे देखो सारा पैकिंग पुकिंग चालू है जो भी सामान लाए थे भाई सब रख रहे फटाफट एकदम चेकआउट करेंगे फिर आज रात को साउथ गोवा में हम लोग पहुंच जाएंगे और जो भी कपड़े हम पहन रहे ना मैडम तो भाई एक दिन पे एक कपड़े पहने जा रही है मतलब ये उसको रिपीट नहीं करना है। ए चलो पमर रोहित हो गया पैकिंग चलो यार निकलो कितना टाइम लगा रहे हो ये देखो ये सैडल बैग लेके आया है राइड पे आया था कि चलो ये तो रेडी भी हो गया चलने के लिए। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ जिस रूम में हम लोग थे ना अभी वो रूम दिखा था मैंने रूम नहीं दिखाया। सो यहाँ से इसका एंट्री और ये हो गया डोर जो कि खुल गया और ये है बड़ा सा हॉल भाई साहब 2 BHK का घर है ये और ये मैं दिखाऊं यहाँ पे देखो ये बैल्कनी है ये अच्छी खासी बड़ी सी बैल्कनी है यहाँ से व्यू मिल रहा है आपको शानदार जोरदार जबरदस्त ये बैल्कनी है वो भी बेडरूम में बैल्कनी है ये नीचे का व्यू ये हॉल है और यहाँ से हम निकलेंगे इसके अंदर किचन है शायद जो कि डोर बंद करके रखा है यहाँ पे एक बेडरूम है ये दोनों जन पमर रोहित का और ये हमारा बेडरूम है और हमारे बेडरूम में भी है यहाँ पे बैल्कनी मैडम मैडम ज्यादा खुश हो गई थी घर देख के एकदम बैल्कनी वाला मिला है चलो भाई बड़ा एकदम शानदार बड़ा घर मिला और दोनों बेडरूम में सेपरेट वॉशरूम है उसका अलग उसमें है इसका अलग इसमें वॉशरूम है अच्छा प्रॉपर्टी लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे कोई हेल्पर वेल्पर नहीं है अगर कुछ मेंटेन करके रखेंगे ना जैसे थोड़ा अच्छे लगे लाइट वाइट बढ़ा देंगे ज्यादा पॉस्टिंग मिल सकता है टूरिस्ट तो जितना कम दे उतना अच्छा है। तो चलो एक बारी फाइनल चेक कर लेते भाई घर में कुछ छूटा उठा तो नहीं है ये सारे बैग पैक हो गए वहाँ पे भी सब पैक हो गया मेरे एक बैग पैक है अब निकलते हैं यहाँ से चलो प्रभु का नाम लेके आगे। कब से गाड़ी पे बैठे हैं और रोहित अब भी आ रहे हैं ये लोग पता नहीं कितना शॉपिंग कर रहे थे 12:30 से लेके 2 बजे तक शॉपिंग ही किया रोहित बोमा ने। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे मैं बता दूँ आपको सुयोग के घर पे आपने एक आध दो दिन पहले देखा होगा व्लॉग में हमारे लिए उन्होंने स्पेशल लंच अरेंज किया हुआ है तो ये गिफ्ट है और ये यहाँ पे ये पूल है इनके बिल्डिंग का काफी अच्छा पूल है और डीप भी है तो बोल रहा था इसमें अगर जाना है तो जा सकते हो लेकिन अभी भीगने का मन नहीं तो अभी इसमें नहीं जाएंगे। ब्लॉक करते भी है बकाल से ये कपड़े क्या बोलते हैं कपड़े तू कर रहा है खाली धोया है किसी और ने हाय हाय पी कैसे है तू क्या करते हैं वीडियो बगते ये लड़की कब से बेचारा ऑर्बिट कर रहा है रोहित ए रोहित ऑर्बिट देख किधर था इसके जेब में पागल लड़की बेचारा कितना ढूंढा पूरे गाड़ी में ढूंढा है पूरे रास्ते में ढूंढा अभी बोलती मेरे जेब में डिक्की बिक्की खोल के सब चेक किया इसकी डिक्की में रखा हुआ है यहाँ पे एक मिनी टेरेस है यहाँ पे भी एक अलग स्पेस है यहाँ पे मिनी टेरेस है टेरेस पे से अगर सुसाइड करना है ना तो उतर सकते हो यहाँ से आप सीधा नीचे ओ बाप रे बहुत डेंजरस है रे और पैर में चटके लग रहे बहुत तेज जाना देखिए अजीब सा हो रहा है ना कुछ कुछ होता है तो हाइट का फोबिया पहले से हाँ क्या बोलते उसको हाइट फोबिया मेरे को नहीं पता हे
सो वेल यहाँ पे मैं मेरा काम कर रहा था और ये देखो खूबसूरत सा खाना आ गया है, मैं जीवन आला है हमसे यमी। चलिए कहाँ जा रहे हो खाना रख के? खाना रख के जाते नहीं है, 0.0%। अक्षता भाभी ने ऐसा सब जीवन इन्हीं ने बनाया है पूरा। चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। थैंक यू फॉर द लंच सुयोग एंड अक्षता, मजा आया, खाना एक नंबर बना था, स्वादिष्ट। सच में बहुत टेस्टी। मैं जूता पहना है क्या? मेरे को लगा मैं चप्पल। बाय, मिलते हैं फिर से। शाम को मिलो फिर। कभी मुंबई ला लेगी बेटा। हो अरे घरी पन या। यहाँ पे पूल देख के पूल में डुबकी मारने का मन कर रहा है। ट्राई पूरा करेंगे शाम को। मैं बिकनी पहन के आऊंगी, पूल के लिए ट्राई करेंगे। ये भी इस बार बिकनी पहनेगा, मैं अकेले नहीं पहनूंगा। अगोड़ा फोर्ट पहुँच गए और अभी चलते आगे, देखते कैसा है, मतलब क्या खास बात है इसमें। और ये 5 या 6 बजे तक बंद होता है तो हम लोग अभी 4:30 बजे पहुँचे फाइनली। तो यहाँ पे ये सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और आप लोगों को टिकट लेना पड़ता है। तो चलो देखते क्या है टिकट का प्राइसिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए 25 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, 15 साल के नीचे कोई टिकट नहीं, और अगर फॉरेनर है तो 300 रुपीज़ टिकट। और यहाँ पर ही ऊपर लाइट हाउस भी है, इतना सुंदर सुंदर हवा आ रहा है यहाँ पे आके, ऊपर गर्मी का एहसास ही नहीं बिल्कुल भी, है ना? इधर मस्त हवा आ रहा है बेबी, मस्त हवा चल रही है। और चलो यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको, यहाँ से पूरे नीचे पूरा समुंदर का व्यू दिखता है। सब जितने मरे लोग मरे थे ना, सबका आवाज आ रहा है, कुछ भी देख सुन का देख। आवाज कहाँ से आ रही है? सब ये लोग चिल्ला रहे उधर से, साले लोग डरा रहे मुझे। ये देखिए भाई ऊपर से व्यू, यहाँ पे काफी सुंदर लग रहा है और क्लाइमेट काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सब लोग अपना फोटो वोटो निकाल रहे हैं, भाई अच्छी बात है निकालिए। और मैडम भी मेमोरीज जमा कर रही हैं। और ये देखो बाबू भाई, हमारे बाबू भाई लगे, पवा और रोहित आगे चले गए, तो मैं आगे चल के आपको व्यू दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये है अगोड़ा फोर्ट और यहाँ पे लाइट हाउस है, ये दोनों लाइट हाउस है यहाँ पे। मैं अच्छे से नीचे भी दिखाता हूँ अभी नीचे चल के। सो चलिए, ये व्यू देखो। देखो आओ घूमो मस्त में, सब जगह घूमो, फोटो वोटो बिंदास निकालो, लेकिन ऐसी हरकत मत करो, क्या होगा ना कभी पैर वैर फिसला और उस तरफ चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ ना बहुत ज़्यादा ही खाई है और गिरेंगे तो हाथ वत टूट जाएगा, अलग बात, शायद जान भी नहीं बचेगी, तो प्लीज़ ये सब मत करना। तो ऐसे आओ यार बिंदास, घूमो वो अच्छे से मस्त में। सो हम लोग यहाँ पे आए और जैसे जैसे शाम होते गए ना वैसे वैसे यहाँ पे गर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गई। 6 बजे बंद होगा, 5:30 हो गए, और यहाँ पे आओ घूमो फिरो मस्त में, सब जगह फोटोज वोटोज निकालो, लेकिन ऐसे फोटोज मत निकालो तो भैया ऊपर चढ़ चढ़ के, क्योंकि क्या है ना पैर वैर कभी फिसलेगा, कोई भी गिर जाओगे हड्डी पसली टूट जाएगा, और फिर टूट गया ना मरने में जान से। यहाँ पे दिखाओ देखो कितना डीप है, यहाँ से गैप ये एक्चुअली कुछ वे था इनका आने जाने का। तो इधर पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है भाई, यहाँ पे पानी पीने के लिए अवेलेबल है, आरओ लगा हुआ ये नहीं, उधर भी था ना चर्च पे भी था, पता नहीं दूसरा है कहाँ। अच्छा हाँ, वो चर्च पे भी था, बहुत कम जगह पे, मतलब पानी खरीद के पी। बहुत दूर से आए हम लोग, नेट पे तो 6 बजे का टाइम दिखा रहा है, बंद हो गया, बंद हो गया, यही है लाइट हाउस। अरे इधर से वो बैक साइड पे जाने का भी एक प्लेस था, लोग ने बंद कर दिया, रिपेयरिंग चालू था आई गेस ना। तो क्या हो रहा है अभी? अभी क्या, अभी सेंट्रल जेल चलते हैं, जेल में जाके। हाँ चलो चलते हैं, खिड़की बंद करो, वो तो वो भी बंद ही हो जाएगा 6 बजे। तो ये ना हसीना मान जाएगी कि मूवी का जो शूटिंग है ना वो बंगला यही है, ये पूरा पूरा बड़ा सा लंबा सा इसके अंदर है बंगला। अब
ये देखो पहुंच गए सेंट्रल जेल, लेकिन ये बंद हो गया। इसका टाइमिंग देखो सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक है, तो हम लोग जा भी जा रहे हैं, वहाँ लेट हो जा रहे हैं। इनकेस आप लोग आते हो तो आप लोग जल्दी आके अंदर भी जाके देख सकते हो। लिखा है फोर्ट अगुआडा जेल म्यूजियम। ये पहले जेल था, अब इसको म्यूजियम बना दिया है। और यहाँ पे पूरा व्यू जो है ना बहुत ज्यादा भयंकर है, लाइक हॉरर मूवी की शूट वगैरह हो सकते हैं आराम से यहाँ पे। ये झाड़ देखो, और ये यहाँ से जो रास्ता है ना, हाँ यहाँ से ये जो वे है ना पूरा, ये पूरा एकदम भयंकर सा है। ये देखो ये भूत की हवेली है। सो यहाँ से व्यू देखो काफी बढ़िया लग रहा है एकदम भाई, मजा आ जाता होगा। ये बाउंड्री पे जिसका घर होगा, वाओ। अच्छा यहाँ से नीचे भी उतर सकते पर हम लोग नहीं उतर रहे। अभी गोवा की भी वीडियोस आएंगे, तेरा भी वीडियो आएगा उसमें। हीरो। और यहाँ पे हो गई है बारिश, और मौसम है ना काफी ज्यादा सुहाना है एकदम, चारों तरफ क्लाइमेट एकदम मजा आ गया। अभी बारिश चालू हो गई यहाँ से। भाई देखो अच्छा है हमारे पास कार है, कार में बच गए अंदर पे बैठे, बाइक बाहर पे, भीग जाता क्योंकि हम लोग ने चेकआउट कर लिया और सारा कुछ इसमें ही लाके रखा हुआ गाड़ी में, तो इसमें सब सेफ पड़ा है हमारा आधा घर है ये। थैंक यू। सो अभी हम लोग आए यहाँ पे लोअर फोर्ट अगोड़ा, यहाँ पे तो स्टॉल्स है काफी सारे, और ये लोअर फोर्ट अगोड़ा है और इसको शायद सिंक्वेरियम बीच भी बोलते हैं। तो अभी आगे आगे जाते, ये भी छोटा सा है पार्ट, एक्वेरियम बीच आएगा इसमें, बराबर नाम ले रहा हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है बड़ा है। हाँ बागा जैसा बगा नहीं है भाई, गर्दी नहीं है ना यहाँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा है, ये फोर्ट है ऊपर ऊपर ऊपर। और ये भाई इधर का पानी बहुत साफ लग रहा है यार, इधर का पानी साफ लग रहा है रे। हाँ, अयो, कितना पानी है, पानी बहुत है लेकिन साफ लग रहा है। अभी रात में ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं। देखो कितनी फट रही है इसकी, ये लोग की बोल रहे हैं क्या कितना बड़ा बड़ा लहर आ रहा है, चलो इधर से अपने हाइट का। तो लिटरली ना अभी हम लोग यहाँ पे है और वो जो लहर उठ रही है ना, वो हमारे हाइट की लहर उठ रही है, इतनी बड़ी बड़ी लहर है वो। क्या साइक्लोन, हर साल एक साइक्लोन आता है, उसका नाम कुछ तो चेंज हुआ रहता है। ये बीच की एक चीज बता दूं भाई, ये बीच है ना काफी ज्यादा क्लीन है, इसमें ना तो कुछ कचरा है ना कुछ है भाई, एकदम क्लीन बीच है। सबसे मेरे को अभी तक तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, कचरा देखा एक भी नहीं था इसके। अल्लाह भाई बाल भीग गए ले भाई, लाइटनिंग हुआ देखा क्या। चलो हाँ फोन नहीं यूज करने का ना, ये बंद करो फोन, बंद कर दो, बंद कर दो फोन, बंद कर दो, बंद बंद बंद। पहली बारिश गोवा में हो गई, पहली बारिश हो रही गोवा में, यार बारिश हो रही है, दिख रहा है भाई खचा खच। ये देखो भाई साहब 50 रुपए की मैगी, 50 रुपए की मैगी 50 में बनाता भी है ना, क्या 40 रुपए, अरे 40 नहीं रुपए, क्या 40 रुपए का मैगी, उल्लू बनाता है, उल्लू भी बनाता है ना थोड़ा। क्या बोल रहा है रोहित, क्या बोल रहा है, पैसा भिगा रही है, मैगी खा रही है, मैगी को बचाने के लिए, मैगी को बचाने के लिए पर्स ऊपर रखा है, पैसे का पूरा पर्स मैगी के ऊपर रखा है। यहाँ पे मैगी ना, मैगी मैगी ना भीगे। अभी तो बारिश आ रही है, कोई नहीं आजू बाजू है, अम्मी है, अम्मी अम्मी है, अकेले अकेले मजा ले रहे हैं। भाई हम लोग तो भीग गए यार, अभी यहाँ से निकले, देखो पहले बोली मैगी खाएगी, अब नहीं खा रही है बेचारी, पम्मा अकेले ही खा रही है, अकेले खा लेगी। रोहित ने लुक कैसे दिया देखा क्या। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वही सही रहेगा, और बाहर बारिश हो रही है बहुत, और बारिश हो रही है ना तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। इधर देखो ठंडे 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 मौसम में, ड्राइवर के मजे होते हैं, ड्राइवर के मजे सब, वो ड्राइविंग वाला वीडियो लेना है। फाइनली बज गए 9:30, हम लोग मतलब होटल के बाहर ही है, बट कंफर्म नहीं है कि यही है कि नहीं है, क्योंकि ओयो से बुक किया है तो उस पे कुछ नंबर वगैरह नहीं दिया, सो चेक करते फिर ये अंदर गाड़ी घुसाते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये इधर बुकिंग किया है, ओयो में बुक किया है, इसके साथ
की जैसा सर्विस है ना पूछो मत, ना तो फोन लग रहा है ना कोई कांटेक्ट करने का जरिया है। वो सब तो ठीक है, साढ़े नौ रिसेप्शन है ना कुछ है, 9:30 बजे। अरे रिसेप्शन तो छोड़ो, लेकिन एक कांटेक्ट है कुछ तो रहे, कांटेक्ट करने को ट्राई करो, उसका फोन ही क्या है पता नहीं। चाबी कौन दे, रूम में किधर जाए, अंदर तो आ गए, आया क्या कोई? हाँ बाबू आता हूँ मैं। डरावना है ना रे, रात में सब ऐसे। हाँ एक्चुअली देखना कोई नहीं है तो फिर अजीब से ही हो रहा है मुझे तो। क्या है ऐसा, क्या है लोग, मतलब कोई इंसान ने ऐसे छोड़ के गए क्या? चाहिए वो लोग ने क्या दिया है, खाली रूम नंबर दिया है उधर जाने का, उधर कांटेक्ट दिया है उसको कॉल करने का, फिर कॉल करने एक तिजोरी है, तिजोरी का कोड डालने का, फिर चाबी रूम भी हम लोग ने कैसे ढूंढा, इधर बात करते करते वो दिख गया ऊपर। लड़की लोग हमेशा स्लो करते हैं सब लोग, नहीं यार दिस इज साउथ गोवा ना, व्हेनेवर माय फ्रेंड सी पाल, पाल मतलब चिपकली। सही है, सही है। तो हम लोग आए, सामान वामान सेटल किया और बस निकल रहे हैं डिनर करने को। भाई इधर हम लोग डोमिंगोस में आया है, इधर का इंटीरियर ना डोमिंगोस है, इसकी स्पेलिंग डोमिनोज नहीं है। तो इधर का इंटीरियर काफी सुपर्ब है, यहाँ के जो लोग हैं हेल्पिंग करने वाले भाई, इनके शर्ट वर्ट देखो काफी प्यारा मैचिंग है, फुल गोवन वाइब है। क्या हुआ? चलो कोई नहीं, होता है मेरे साथ बहुत बार हुआ है, पता नहीं कि उसके साथ हमेशा होता है, पता है? हाँ हमेशा, पर ये हमेशा एक बाइट लेके थूक देते हैं, खा रहे हैं बोलते हैं पनीर है पनीर है, कैसा है तेरे को समझता नहीं क्या पनीर चिकन? सो अभी यहाँ पे हमारा डिनर आ गया, हम लोग खा रहे हैं, अभी खा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे फटाफट, शायद हम लोग की लास्ट बची हुए हैं। दिस इज द न्यू नॉर्मल, हम लोग लास्ट ही बचे रहते हैं हर रेस्टोरेंट में। आगे हमारे रूम पे प्यारा सा मस्त सा रूम 2BHK है ना विद किचन, यार दिल खुश हो गया ये मतलब गोवा में पाके। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो आपको बड़ा मजा आया, और कल हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ गोवा, सो लेट्स सी कैसा होता है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट। बात ऐसी है एकदम घर जैसी है, बाय।